आज का ये वीडियो होने वाला है आपके पूरे ऑटो लेवल के बारे में। अब जब लेवल लेना है तो हम ऑटो लेवल का यूज़ करेंगे, ऑटोमेटिक लेवल उसको ही हम बोल देते हैं, और हमारे बुक्स में इसको डंपी लेवल के नाम से भी जाना जाता है। अब उसके लिए लगता क्या है, तो ये ऑटो लेवल अपने ये ट्राईपॉड पे सेट होने वाला है, और दूसरा हमें स्टाफ लगता है रीडिंग लेने के लिए। तो सबसे पहले ये ट्राईपॉड आपको खोल लेना है, पूरा देख लेना है कि हाँ ये आपके जो ट्राईपॉड का जो स्टैंड है वो फिक्स होने चाहिए। अब इसको सेट करने के लिए सबसे ईजी तरीका ये है कि ये दो लेग्स खोलिए, ठीक है, और तीसरा लेग ये जैसे पैर है उससे आप फॉरवर्ड की तरफ पुश कर दें। अब इसको ऐसे लेवल करें कि आपके ये चेस्ट हाइट पे आए, चेस्ट हाइट पे आए, और ये बेस प्लेट एकदम लेवल हो जाए। अब फिर जब ये लेवल हो जाए तो फिक्स कर दिए। इसका रीज़न क्या है, अब इसके ऊपर मैं अपना ऑटो लेवल सेट करूँगा जब, तो मेरा आई लेवल पे आएगा वो चीज़। ऑटो लेवल का आई पीस है, ये कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी देंगे आपको, तो ये मेरे आई लेवल पे आएगा तो उससे आसानी रहेगा, मुझे ज़्यादा झुकना नहीं पड़ेगा या फिर ज़्यादा ऐसे अप नहीं करना पड़ेगा अगर इसके हाइट ज़्यादा कर देता हूँ तो। तो चलिए ऑटो लेवल के बारे में देख लेते क्या है। तो ये है, ये चीज़ है आपका ऑटो लेवल। तो उसको सेट कैसे करते, तो कि बेस प्लेट के ऊपर आपने रखा इसका ये जो नॉब है, इसका जो ये नॉब है उसको फिक्स कर देना है, बेस प्लेट के ऊपर ऐसे रखना है ताकि इक्वली रहे, ये प्लेट के चारों तरफ इक्वली रहे। अब हमारे ये दो तरह के प्लेट्स आते हैं, ये अपने एकदम फ्लैट बेड मतलब फ्लैट बेस प्लेट है। अब इसके बाद एक थोड़ा सा एक इंक्लाइंड भी मिलता है इसके ऊपर, तो इससे क्या होता है कि ये ऑटो लेवल को हम एडजस्ट उसके ऊपर ही बबल एडजस्ट कर लेते हैं, वो थोड़ा स्लोपिंग होता है, ये फ्लैट वाला ही ज़्यादा चलता है। तो अब ऑटो लेवल के कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ये जो है जिस चीज़ को ऑब्जेक्ट की तरफ मतलब जो मेरा स्टाफ देखता है वो है मेरा ऑब्जेक्टिव पीस, ये मेरा साइट। इससे मैं क्या करता हूँ, स्टाफ को बाइसेक्ट कर लेता हूँ। ये जो दिख रहा है ये है आई पीस, ये जो है ये नॉमिनल एडजस्टमेंट के लिए लेफ्ट और राइट, ये जो है आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि दोनों तरफ सेम ही, अगर एक तरफ भी रोटेट करते हैं तो दोनों तरफ रोटेट होता है। तो ये है मेरा नॉमिनल एडजस्टमेंट स्क्रू, टेंजेंशियल स्क्रू भी बोलते हैं इसको। इससे क्या कि थोड़ा सा अगर इस अपने ऑटो लेवल को अगर बाइसेक्ट करते टाइम थोड़ा सा नॉमिनल देखना है, आसपास ही मेरा रीडिंग लेना है, तो इससे मैं एडजस्ट करता हूँ, ये पूरे हैंड से नहीं घुमाता। अब ये है एंगुलर का एंगल्स का प्लेट है, एंगुलर प्लेट, और इस टोटल ऑटो लेवल को लेवल करने के लिए मेरे लेवलिंग स्क्रूज, फुट एडजस्टमेंट स्क्रूज या फिर एडजस्टमेंट स्क्रूज बोलते हैं इसको। अब जो जब सेट करते हैं ना ऑटो लेवल को, तब ऐसे रखते हैं ताकि ये जो दो है, ठीक है, ये दो अपने फुट स्क्रूज अपने तरफ हो जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, और तीसरा स्क्रू दूसरी तरफ। अब जो दो मुझे फेवरेट स्क्रूज अपने चूज़ करने पड़ेंगे इसको लेवल करने के लिए, ये ऑटो लेवल को लेवल करने का सबसे आसान तरीका है। अब दो लेवल को चाहे इनवर्ड, जैसे कि इनवर्ड किसको बोलेंगे, थंब जैसे अब इनवर्ड घुस रहा है, ठीक है, दोनों एक ही, ऐसे नहीं कि एक हैंड बहुत जल्दी घूम रहा है दूसरा स्लो घूम रहा है, आपको एक ही इंटेंसिटी से दोनों को ऐसे इनवर्ड या फिर आउटवर्ड घुमाना है, और तीसरे स्क्रू से। अब इससे करते क्या है, तो कि इससे हम ये अपना जो बबल है इसको लेवल कर देते हैं, ये जो बबल है इसको लेवल कर देते हैं। अब इस बबल को देखने के लिए ये जो ऊपर चीज़ लगा हुआ है एक मिरर टाइप लगा होता है उसको हम पेंटा मिरर बोलते हैं। अब इसको जैसे अब मैं बबल को देख रहा हूँ, तो बबल दिखा दीजिए थोड़ा, हाँ ये जो बबल है, हाँ वो उसको कोई भी एक्सट्रीम टॉप या बॉटम पे ले जाना है, ठीक है, फुट स्क्रू की मदद से मुझे टॉप या कभी भी आप इसको ऑटो लेवल को रखें और आपका जो बबल अगर लेफ्ट या राइट पे है तो उसको टॉप पे ले जाना है। अब टॉप पे ले जाने के ये इनवर्ड या आउटवर्ड घुमाएंगे ले जाने के लिए, और फिर हम तीसरे स्क्रू की मदद से उसको सेंटर कर लेंगे। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, देखिए, हाँ ये मेरा बबल को एग्जैक्ट मुझे इस तरह से सेंटर कर लेना है। अब इसके बाद
मेरा ये इंस्ट्रूमेंट ऑटो लेवल रेडी है रीडिंग लेने के लिए। अब सबसे पहला जो रीडिंग लेंगे हम बैक साइड पे लेंगे, उसके पहले इसको एक बार घुमा के देख लेना है कि कोई वाइब्रेशन की वजह से मेरा बबल लेवल हिल तो नहीं जा रहा। एक बार एंटी क्लॉकवाइज और एक बार क्लॉकवाइज घुमा के देख लिया आप, और अब मेरा बबल जब हिल नहीं रहा है तो अब मैं रीडिंग लेने के लिए रेडी हूँ। अब रीडिंग जब मैं देखूँगा तो अब मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लरी दिख सकता है, तो उसको फोकस करने के लिए है ये मेरा फोकसिंग नॉब, ठीक है। इससे मैं फोकस करता हूँ, और अब मेरे स्पेक्टेकल्स है, अब उसके वजह से थोड़ा सा अगर ब्लरी तो भी दिख रहा है तो ये आई पीस से भी हम थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। मेजॉरिटी मतलब इससे फोकस हो जाता है अपने फोकसिंग नॉब से। अब मैं जब इसके अंदर देखता हूँ ना, तब मुझे तीन क्रॉस हेयर दिखते हैं, टॉप, बॉटम और एक सेंटर का बड़ा, आप देख सकते हैं। आ जाइए अगर देखिए, तो ये जो आपको क्रॉस हेयर दिख रहा है इसको हम स्टेडिया हेयर बोलते हैं। तो हमारा स्टेडिया हेयर तीन होते हैं, एक बीच का सबसे बड़ा सेंटर और टॉप और ये बॉटम। अब इसकी मदद से हम स्टाफ को बाइसेक कर लेते हैं, और ये मेरा स्टाफ है। ये ऑटो लेवल का तीसरा कंपोनेंट, ठीक है। पहला कंपोनेंट, ये ऑटो लेवल का तीसरा कंपोनेंट हमारा स्टाफ। सबसे पहला ट्राइपॉड, ये ऑटो लेवल और ये स्टाफ, ये तीनों मिलके हमें कोई भी कभी भी लेवलिंग के रिगार्डिंग कुछ करना हो तो उससे हो जाता है। स्टाफ को, ये हमारा 4 मीटर वाला स्टाफ है, ये 2 मीटर, 4 मीटर और 6 मीटर में मिलता है। इसको पूरा खोल लेना है, तो इससे पूरा बटन हो जाना चाहिए। अब ये स्टाफ, इसका लीस्ट काउंट है 5 mm। अब इसमें सबसे जो मेजरेबल छोटा सा डिस्टेंस है वो 5 mm है। अब इसके पीछे, ठीक है, तो ये इसका है 1 mm, तो ये सेंटीमीटर स्केल है मेरा। अब मैं ये वाला रीडिंग लेने के बारे में बताता हूँ। तो इसका जो टॉप होता है ना, वहाँ पे रीडिंग लिया जाता है। जैसे कि ये वाला बड़ा सबसे लाइन दिख रहा है और ये 1.4 है, तो इसके टॉप पे, ये रेड बॉक्स के टॉप पे 1.4 है। अब ये रेड बॉक्स, ये वाइट रेड स्ट्रिप और ये वाइट स्ट्रिप दिख रही है, तो ये रेड स्ट्रिप, ये कोई भी स्ट्रिप मेरी 5 mm की है। ये रेड वाली 5 mm और ये वाइट वाली 5 mm, दोनों मिला के 10 mm बनता है। तो अगर मैं कहीं पे भी ये हाथ रख देता हूँ तो यहाँ पे, तो कि ये वाइट के, ये जो 1.6 है उसके ये नीचे वाले पे, इसके टॉप पे 1.6 होगा। अब मुझे पता है कि ये रेड वाला 5 mm का है, तो उसके बॉटम पे 5 mm माइनस कर दूंगा, मतलब 1.595। तो ऐसे मेरा स्टाफ रीडिंग हम ले लेते हैं। अब ये स्टाफ रीडिंग, सबसे पहला जो रीडिंग लिया जाता है वो वाला बेंच, अपने बेंचमार्क पे लिया जाता है, उसको बोलते हैं हम बैक साइड रीडिंग। और लास्ट वाला हमारा जो होता है, जिसके बाद हम इंस्ट्रूमेंट को उसके पोजीशन से हटा के, मतलब हमारा सर्वे एंड कर देते हैं, वो हमारा फोर साइड रीडिंग, या फिर इंस्ट्रूमेंट स्टेशन चेंज करते हैं। अब जितने भी सारे उसके बीच में है वो हमारे इंटरमीडिएट साइड रीडिंग। तो आशा करता हूँ आपको ऑटो लेवल के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखते रहने के लिए आपके चैनल सिविल गुरुजी गुजरात को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।